हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश के बाद जो वंश आया था खिलजी वंश, उसके बारे में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी देखेंगे जो यहाँ से इंपॉर्टेंट सभी जो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट वो सब के सब जो हैं लास्ट में कवर करेंगे पढ़ने के बाद। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत में अगर मैं खिलजी वंश की बात करूं तो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है। जो गुलाम वंश का आखिरी शासक था कैमूर, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 में। और पूरा खिलजी वंश जो है वो रहा 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक, तो 30 साल। ये हमने पहले ही पढ़ा था, जो सबसे कम साल रहा ना दिल्ली पर, जिसका सबसे कम शासन रहा वो कौन सा था, वो थी खिलजी वंश। 30 साल तक जो है इसका टोटल शासन रहा था, बाकी और का जो था वो शासन बहुत ज़्यादा जो था इनसे रहा था, ठीक है। तो सबसे कम जो था वो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का शासनकाल था। तो ये याद रखिए 1290 से 1320 तक जो था ये खिलजी वंश रहा। तो पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले बात कर रही हैं खिलजी की, तो खिलजी कौन थे पहले ये जानते हैं। तो खिलजी की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान से जो थे ये थे, अफगानिस्तान में एक हेलमंद नदी है, हेलमंद नदी, ठीक है, हेलमंद नदी में जो घाटी प्रदेश है उसको, घाटी प्रदेश उसे जो है खिलजी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, खिलजी जो है उसको कहा जाता है। हेलमंद नदी के पास जो घाटी प्रदेश है उसको खिलजी के नाम से जानते हैं। और जो जातियां इस क्षेत्र में बसी हुई हैं, इस घाटी प्रदेश में जो जातियां वहां पर बस गई हैं, उन्हें क्या कहा गया है, खिलजी कहा गया है। और कि खिलजी की अगर हम बात करें तो ये मूलतः क्या थे, तुर्क थे, लेकिन ये इलबारी तुर्क नहीं थे। तुर्क तो थे ये, बट ये इलबारी तुर्क नहीं थे, जो कि गुलाम वंश के में जो हमने पढ़े थे वो इलबारी तुर्क थे, जैसे इल्तुतमिश रहा वो इलबारी तुर्क था, ठीक है। तो ये क्या थे, ये भी तुर्क थे बट इलबारी तुर्क ये नहीं थे। खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी थे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखिए खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक थे। चौथी शताब्दी में ही यह शाखा अफगानिस्तान की हेलमंद घाटी में बस चुकी थी। खिलजियों के निवास के कारण यह क्षेत्र खिलजी क्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। खिलजी क्रांति केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थी कि गुलाम वंश को समाप्त कर नवीन खिलजी वंश की स्थापना की, बल्कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक जो था विस्तार जो था हुआ था। ओके, असल में अगर हम बात करें जो खिलजी वंश था इसको किसी अमीर वर्ग या उलेमा वर्ग या जनता का समर्थन जो था प्राप्त नहीं था, ठीक है। इसीलिए खिलजी वंश को किसकी संज्ञा दी गई है, खिलजी क्रांति की संज्ञा जो है खिलजी वंश को दी गई है, ठीक। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि क्यों इसको खिलजी क्रांति बोला गया, क्योंकि इसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, अमीर वर्ग का समर्थन जो था खिलजी वंश को प्राप्त नहीं था। इन्हें ये कैसे मिली सत्ता, सत्ता इन्होंने कैसे हासिल की, शक्ति के बल पर जो थी इसने इस सत्ता को हासिल किया था, ना कि अमीर और उलेमा के समर्थन पर, ठीक है। खिलजी शासकों की जो सत्ता थी वो मुख्यतः किस पर आधारित थी, शक्ति पर आधारित थी, इसीलिए इस वंश को खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे बात किया गया है कि खिलजी क्रांति इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थी कि गुलाम वंश को समाप्त कर नवीन खिलजी वंश की स्थापना की, बल्कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक जो था विस्तार जो था हुआ था। यानी कि दक्षिण तक को जीतने की जो कोशिश हुई वो सबसे पहले इसी वंश के द्वारा जो थी की गई थी, ठीक है। खिलजियों ने अफगानी तौर तरीकों को अपना लिया। महमूद गजनवी व महमूद गोरी के आक्रमणों के समय अनेक खिलजी थे जो भारत चले आए। उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ सेना व अन्य प्रशासनिक विभागों में नौकरियां की। कालांतर में से वे सल्तनत में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और अंततः सल्तनत के स्वामी जो थे बन बैठे थे, ठीक है। तो महमूद गोरी या गजनवी के शासनकाल में ये भारत आती हैं, उसके बाद वहाँ पर जॉब अपनी नौकरी वगैरह करती हैं अलग अलग विभागों में जो भी प्रशासनिक क्षेत्र थे, फिर वहाँ पर जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसका ये लाभ उठाते हैं और राजनीति में आ जाते हैं, और इस तरीके से ये सल्तनत के स्वामी जो है बन जाते हैं, ठीक है।
चलिए, ये तो हो गया खिलजी वंश, इसका इंट्रो। अब बात आती है संस्थापक की। तो देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? ये माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी का जो है पूरा नाम पूछा जाता है, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी या फिरोज खिलजी, ये जो था इसका पूरा नाम था। 1290 में जो है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है कैमूर की हत्या करने के बाद। बलबन के दो बेटे थे ना, कैकुवाद और कैमूर। कैमूर की हत्या करके जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1290 में। ठीक है, इसने जो है 1290 में कैकुवाद द्वारा निर्मित किलो खेड़ी किले, कहाँ पर? किलो खरी, किलो खरी किले में जो है स्वयं को क्या किया था? सुल्तान घोषित किया था। और जो अपनी इन्होंने वो राजधानी भी बनाई, वो कौन सी बनाई थी? किलो खरी ही बनाई थी। तो इसकी राजधानी का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो राजधानी भी इन्होंने यही बनाई थी। ठीक है, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो थी उदार धार्मिक नीति को जो है अपनाया था, और उदार नीति के कारण ही जलालुद्दीन ने जो शत्रु थे उनको भी जो था उच्च पद दिए थे, और ऐसी घोषणा करने वाला ये पहला शासक था जिसने अपने शत्रुओं को भी जो थे उच्च पद दिए थे। ठीक है, जलालुद्दीन की अगर मैं बात करूं तो ये 70 साल की उम्र में जो है सुल्तान बना था, यानी कि 70 साल का था जब ये गद्दी पर बैठा था। ठीक, तो जल्दी ही मतलब 1290 से लेकर अगर आप देखेंगे इसका शासनकाल, वो रहा 1290 से लेकर 1298 तक, सिर्फ 8 साल तक जो था ये गद्दी पर बैठा था। ठीक, उम्र ज़्यादा थी, तो इसके विचार जो थे, इसके जो भी विचार थे उदारवादी विचार, वो उसकी उम्र से प्रभावित थे और ये लोगों को पसंद नहीं था। ठीक है, तो इन्हीं के भतीजा थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने जो थे इसकी 1298 में जो थी इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ओके, 1296 में, 1296 में हो गई थी, 1296 तक रहा, 1290 से लेकर 1296। अगर पूरा अगर हम शासनकाल देखें वो 1290 से 1320 है, 30 साल का, लेकिन जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का शासनकाल रहा वो 1290 से 1296 में। फिर इनके भतीजे हुए जिन्होंने इनकी हत्या जो थी कर दी थी। ठीक, ओके, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। देखिए, भारत में खिलजी वंश का संस्थापक था कौन? जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल रहा 1290 से लेकर 1296 ईस्वी। 13 जून 1290 में कैकुवाद द्वारा निर्मित किलो खेड़ी महल में जो था राज्यारोहण हुआ। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। ठीक है, कैकुवाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि जो थी दी थी। किसने? कैकुवाद ने। कैकुवाद कौन था? बलबन का पुत्र था, जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कौन सी उपाधि दी थी? शाइस्ता खां की। बलबन के शासनकाल में यह सैनिक के रूप में नियुक्त हुआ था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। खिलजी की नीति दूसरों को प्रसन्न रखना थी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, और वह हिंदुओं के प्रति भी क्या था? सहिष्णु था, मतलब अच्छे विचार जो था उनके बारे में रखता था। ठीक है, दयालु था। इसने अपने एक विरोधी मलिक छज्जू, जिसने कड़ा में विद्रोह कर दिया था, वह स्वयं को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया था। जलालुद्दीन ने इसे हराया किंतु इसे क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी मोला, जो ईरान से आया हुआ फकीर था, इसने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और हाथी के पैरों के नीचे जो था कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी के काल में ही चंगेज खां के नाती उलूग खां ने अपने 4000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण किया। वे इसने मंगोलों को पराजित किया, और इसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें नवीन मुसलमान जो था कहा गया था। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 में जो था अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों पर आक्रमण किया गया था, आक्रमण किया और पराजित जो था उन्हें किया था। ठीक है, फिरोज खिलजी ने अपने पुत्र की शादी अलूग खां से कर पुत्री की शादी अलूग खां से कर दी तथा नवीन मुसलमानों के रहने के लिए मुगलपुर नामक बस्ती जो थी इसने बसाई थी। अब ये नवीन मुसलमान कौन थे? जो मंगोल से आए थे वही थे। ठीक है, मंगोल थे। जलालुद्दीन खिलजी के समय उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र को पराजित किया। रामचंद्र ने अपनी एक पुत्री की शादी जो थी वो अलाउद्दीन से की।
देखिए जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम चल रहा था, मतलब ये इसका जो शासन काल था 1290 से लेकर 1292 तक, इसमें ही जो है जलालुद्दीन खिल सॉरी अलाउद्दीन खिलजी जो इनके भतीजे थे, उन्होंने जो था देवगिरी के राजा थे रामचंद्र उनको पराजित किया था, और तब रामचंद्र ने अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन से कर दी थी। ठीक है, जलालुद्दीन के काल में ही मुसलमानों का दक्षिण भारत अलाउद्दीन के नेतृत्व में जो था आक्रमण हुआ था, यानी कि जलालुद्दीन के काल में ही जो थी दक्षिण पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दी थी। किसने? वो थे अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ये वहाँ पर हमला करने के लिए पहुँचे हुए थे। उसके बाद जब ये वहाँ से आते हैं वापस, उसके बाद जो है ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है करते हैं। सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव राजा को हरा कर अपार धन अर्जित किया, और अंततः धोखे से अपने चाचा की हत्या जो थी करवा दी। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा? अलाउद्दीन खिलजी ने ही मारा था। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछे जाते हैं। तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक का जो काल रहा, जो शासन रहा, वो किसका रहा? अलाउद्दीन खिलजी का ही रहा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किसने शासन किया था खिलजी वंश में से? अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा, क्योंकि इसके मरने के बाद जो था सिर्फ 4 साल तक ही जो है खिलजी वंश रहा था। ठीक है, तो इसका कार्यकाल सबसे बड़ा था, 20 साल था टोटल। अगर हम देखें खिलजी वंश तो 30 साल तक इन्होंने शासन किया, लेकिन अकेले अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा वो कितना रहा था? 20 साल रहा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। ठीक है, और इसको जो है अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर बुलवाना जो था ज्यादा पसंद था। ठीक है, इसीलिए जो था इन्होंने सिकंदर सानी का जो है खिताब किसको दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया था। सिकंदर सानी ये खिताब किसको दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया था। ठीक, खिलजी ने जो है अपने राज्य में शराब की जो खुले आम बिक्री होती थी उसको बंद करवाया था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कौन सा राजा था जिसने शराब की खुले आम बिक्री पर रोक लगा दी थी या खुले आम बिक्री को बंद करवा दिया था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, और पहले मुस्लिम शासक थे जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया था। तो याद रखिए ये पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जो दक्षिण तक पहुंच गया था। तो दक्षिण तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया और जीत भी जो थी इन्होंने हासिल की थी। ठीक है, अब खिलजी की ताकत जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उनके जो वफादार थे उनकी भी संख्या जो थी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ठीक है, खिलजी के साम्राज्य में अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में, तो उनके सबसे अधिक वफादार कौन थे? वफादार थे जनरल मलिक काफूर। ये इनका नाम याद रखिए क्योंकि मलिक काफूर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और एक और थे खुशरव खान, मलिक काफूर और खुशरव खान। ठीक है, भारत दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं तो वहां पर खिलजी वंश का बहुत आतंक था, वहां के राज्यों में ये लोग लूट मचाया करते थे, और जो भी शासक इन लोगों से हार जाता था, चाहे वो मलिक काफूर है, खुशरत खान है या अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, उनसे खिलजी जो थे वो क्या लेते थे? कर लेते थे, वार्षिक कर जो थे ये लिया करते थे। ठीक, चलिए फिर बात आती है मंगोल आक्रमण की। एक मिनट, पहले हम पढ़ लेते, थोड़ा सा जान लेते हैं फिर पढ़ेंगे। सॉरी, मंगोल आक्रमण। दिल्ली सल्तनत में अगर मैं कहूँ तो सर्वाधिक जो मंगल आक्रमण हुए वो किसके काल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो थे हुए थे, टोटल जो है 6 मंगोल आक्रमण जो है हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक, तो याद रखिए, देखिए अलाउद्दीन ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के किन किन राज्यों को जीता है ये बस आपको पता होना चाहिए। दक्षिण भारत तक ये पहुंच गया था, तो दक्षिण भारत में देवगिरी, जो हमने पीछे पढ़ा भी कि देवगिरी को के राजा थे जो इनको हराया था, वारंगल को जीता था इन्होंने, होयसल को जीता, और पांडे मतलब इनको जो था हराया था। देवगिरी 1307, वारंगल 1309, होयसल 1310 ईस्वी में, और पांडे 1311 ईस्वी में। ठीक है, उत्तर भारत में अगर बात करूं तो उत्तर भारत को में इसने किस किस को जीता था? गुजरात को जीता 1298 में, रणथंबोर को जीता 1301 में, चित्तौड़
ये जो युद्ध हुए थे ना, रणथंबोर है, चित्तौड़ का युद्ध है, ये सब ठीक है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो है जीत होती है 1303 में। मालवा का युद्ध 1305 में, मालवा को जीता था। सिवान हो गया और जालोर हो गया, ठीक है। तो ये उत्तर भारत का के राज्य थे जहाँ जहाँ पर जो था इसने जीत हासिल की थी, और ये दक्षिण भारत को जीता था। मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियान जो है इसमें बताया गया। फिर इसने बहुत सारे कर वगैरह भी लगाए, तो वो हम पढ़ते हैं अभी डिटेल में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, देखिए 1296 से लेकर 1316 ईस्वी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266-67 ईस्वी में हो। उसके पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसके संरक्षक थे। बाल्यावस्था में नियमित शिक्षा के अभाव में यद्यपि अलाउद्दीन निरक्षर था, फिर भी वह अत्यंत प्रतिभावान था। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह जो था उससे किया था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने उसे अमीर ए तुजूक पद जो था प्रदान किया। 92 में सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने भिलसा पर आक्रमण किया और अतुल धन संपदा को जो था जीता था। 1294 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और सुल्तान जलालुद्दीन से छिपा कर अपार धन संपत्ति जो थी प्राप्त की, ठीक है। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा जो थी प्रबल हो उठी, और उसने 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं को सत्ता हस्तगत जो था कर लिया था, ठीक। 1296 में अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया, और दिल्ली में बलबन के लाल महल में जो था अपना राज्य अभिषेक जो था इन्होंने करवाया था। अलाउद्दीन की प्रारंभिक इच्छा एक नवीन धर्म चलाने की थी तथा विश्व विजेता बनने की थी, किंतु काजी अलाउ मुल्क के परामर्श से उसने इन दोनों योजनाओं को क्या किया, त्याग दिया। अलाउद्दीन का महान सेनापति था मलिक काफूर, जो कि गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, जिसे उसे 1000 दिनारी भी जो है कहा गया। किसको? मलिक काफूर को, ठीक है। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने ही किया था, ठीक है। तेलंगाना अभियान में वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था भेंट किया था, जिसे काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी का कुतुब मीनार के निकट उसे दोगुने आकार की एक मीनार बनवाने का कार्य प्रारंभ किया, परंतु वह उसे पूरा नहीं कर सका। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव में आया तथा मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय अलाउद्दीन को ही प्राप्त है। अलाउद्दीन का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमणों के लिए भी विख्यात है, और मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की लो और रक्त की नीति को जो था अपनाया था, ठीक है। अलाउद्दीन ने एक मिनट तो इसने रो और रक्त की नीति भी जो थी अपनाई थी मंगोलों के आक्रमणों के लिए, ठीक। अलाउद्दीन ने निर्माण किस किस चीज़ का कराया वो देखिए आप। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, होज खास, सिरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एक तो होज खास पूछी जाती है और अलाई दरवाजा, इसका निर्माण अलाउद्दीन ने ही जो है करवाया था, ठीक है। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु 1304 ईस्वी में दिल्ली में सिरी को राजधानी बनाया तथा किलेबंदी जो थी कराई थी। इसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूती प्रदान कराई और सिकंदर सानी का खिताब जो था इसने प्राप्त किया था, ठीक है। सैनिकों को नकद वेतन दिए जाने की भी शुरुआत जो थी यहाँ से हुई थी। पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत। देखिए घोड़ों को दागने की प्रथा पूछी जाती है किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, और सैनिक को के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत भी किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, ठीक है। शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राज्य को उत्पादन या बिस्वा का जो था आधा हिस्सा जो था मिलता था, ठीक है। भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा जो थी शुरू की थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। यह भी क्वेश्चन आता है बिस्वा में मापने की प्रथा किसने शुरू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ग्रह कर, घरी तथा चारागाह पर चरी, जैसे घरी क्या था, जो घर होता है उस पर जो कर दिया जाता था, और जो पशुओं को चराया जाता था उस पर भी जो है कर लगा दिया गया, जिसको चरी कर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राज्य में एकत्रित करने के लिए मुस्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति जो थी की गई थी, तो इनके काल में जो है जो भी राज्य एकत्रित करना होता था उसके लिए अधिकारी कौन था, मुस्तक राज था। अलाउद्दीन ने बाजार में सभी आवश्यक कीमतों वस्तुओं की कीमत निर्धारित कर दिए थे, और किसी भी प्रकार की बेपानी करने वाले को क्या मिलता था, कठोर दंड जो था दिया जाता था। तो सारे कर जो है आप इसमें याद रखिएगा कि कौन कौन सा इसने लगाया था, ठीक है।
तो सैन्य उसमें याद रखिए सैनिकों की उसमें क्या क्या किया इसने। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अपने जो सैनिक थे उनको नकद वेतन जो था दिया था। ठीक, घोड़ों को दागने की, सैनिकों को हालिया रखने की शुरुआत ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सारी चीज़ें याद रखिए। चलिए अगला हम पढ़ते हैं। वेट, इसके बाद देखिए कौन आया। इसमें देखिए आगे भी है, अलग अलग चार बाजार स्थापित किए गए थे। खाद्यान्न बाजार, ठीक है, निर्मित वस्तु बाजार, सामान्य व दैनिक वस्तु बाजार, पशु व गुलाम बाजार। उनके दरबार में अमीर खुसरो व हसन दहलवी जैसे कवि थे। किनके? वे अलाउद्दीन खिलजी। तो ये पूछा जाता है कई बार अमीर खुसरो को जो है किस किस उसका संरक्षण प्राप्त था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी थे। ठीक है, अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? सितार का आविष्कार किया और वीणा को संशोधित जो था किया था। 4 जनवरी 1316 को जो अलाउद्दीन का निधन हो गया और इसे दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में जो था दफनाया गया था। ठीक है, फिर 1316 ईस्वी में सहाबुद्दीन अमर, ये देखिए गद्दी पर बैठते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु के तुरंत बाद दक्षिण के विजेता और अलाउद्दीन के विश्वास पात्र मलिक कोफूर की सहायता से अल्पवयस्क सहाबुद्दीन उमर जो है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका राज्यारोहण एक षड्यंत्र का परिणाम था जिसका नेतृत्व स्वयं मलिक काफूर ने किया। 1314 ईस्वी में वृद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बीमारी का समाचार प्राप्त कर वह देवगिरी से दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन ने खिज खां को राजगद्दी से जो था वंचित कर दिया एवं सहाबुद्दीन अमर को जो था अपना उत्तराधिकारी जो था नियुक्त कर दिया था। देखिए अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के जो है 4 पुत्र थे। खिज खां था उसमें, शल्दी खां था, मुबारक खान था और एक शहाबुद्दीन अमर था। तो ये 4 पुत्र थे। तो उन्होंने खिज खां को राजगद्दी से वंचित कर दिया और सहाबुद्दीन उमर को जो था अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तत्पश्चात उसने वृद्धि सुल्तान को भी जो है जहर देकर मार डाला। उसकी मृत्यु के पश्चात 1316 में उमर जो था ये नया सुल्तान बन गया था और मलिक काफूर इसका संरक्षक था। ठीक है, खिज खां व शादी खान जिन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका था, उनकी आंखें ग्वालियर के किले में निकाल कर उन्हें अंधा बना दिया गया। अलाउद्दीन के 3रे पुत्र मुबारक खां को भी जो था गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि 3ों पुत्रों को जो था गिरफ्तार कर लिया गया था। और 4था पुत्र जो था खिज सॉरी कौन सा था वो शहाबुद्दीन अमर, उसको जो था गद्दी पर बैठाया गया। अपने सैनिकों को मुबारक खां की आंखें फोड़ने के लिए जो था भेजा गया। 2 की फोड़ दी थी लेकिन 3रे की फिर भी भेजा गया, परंतु उसने इन सैनिकों को अपने पक्ष में ही मिलाकर मलिक काफूर की जो थी हत्या करवा दी। किसने? उस मुबारक ने, कुतुबुद्दीन मुबारक ने जो था, जो सैनिक उसको मारने के लिए आए थे, उसकी आंखें फोड़ने के लिए आए थे, उन्होंने उसे अपने साइड किया और उल्टा जो है जिसने उसे भेजा था मलिक काफूर उसी को जो है उसने हत्या करवा दी उसकी। ठीक है, ये समग्र घटना अलाउद्दीन की मृत्यु के 1 महीने के भीतर घटित हुई थी। मलिक काफूर की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन के विश्वास पात्रों ने मुबारक खां को ही अल्प वयस्क सुल्तान का जो था संरक्षक नियुक्त किया था। ठीक है, फिर आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मुबारक खान लगभग 2 महीने तक उमर का संरक्षक जो था बना रहा। इस अवधि में उसने खिलजी अमीरों का विश्वास प्राप्त किया एवं अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। अब वह स्वयं सुल्तान बनने की योजना बनाने लगा और अपने प्रभाव का उपयोग कर उमर को गद्दी से उतार कर गिरफ्तार करवा लिया। उमर ग्वालियर भेज दिया गया और जहां बाद में उसे अंधा बना दिया गया। 1316 ईस्वी में स्वयं मुबारक खां कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान का जो था सल्तनत का मालिक बन बैठा। खुसरो वह हिंदू था जिसने लेकिन खुसरो जो था अमीर खुसरो हिंदू था बट उसने इस्लाम धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था। उनका वास्तविक नाम मुबारक हसन था। सुल्तान ने उससे प्रभावित होकर उसे खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। खुसरो ने सुल्तान को अपने पूरे प्रभाव में ले लिया। राज्य की वास्तविक सत्ता उसी के हाथों में केंद्रित हो गई। मुबारक शाह एक विलासी प्रवृत्ति का युवा शासक था। बरनी इतिहासकार के अनुसार वह कभी कभी नंगा होकर दरबारियों के बीच भी जो था तोड़ा करता था। मुबारक शाह सूफी संत शेख निजामुद्दीन ओलिया से जो थे क्या रखते थे? द्वेष रखते थे। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो था गद्दी पर बैठा रहा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1320 तक रहा। इसकी हत्या जो थी ये नशरुद्दीन खुसरो शाह ने जो थी इसकी हत्या की थी। ठीक है, जिससे इसने खुसरो खां की उपाधि दी थी। तो चलते लास्ट देखते हैं हम नशरुद्दीन खुसरो खां अप्रैल सितंबर 1820 नहीं 1320 आएगा ये। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के पश्चात दिल्ली का सिंहासन जो था रिक्त हो गया था क्योंकि अलाउद्दीन के 4 पुत्र का जो है वध हो चुका, मतलब हत्या हो चुकी थी। शेष बचे पुत्रों को भी जो थी हत्या कर दी गई थी। सभी महत्वपूर्ण दरबारियों पर दबाव डालकर उनके समर्थन से खुसरो जो था ये स्वयं सुल्तान बैठा और उनके नाम का जो था खुतबा पढ़ा गया। उसने अपने नाम के सिक्के भी जो थे
ढलवाई थी। ठीक है, तो नशीरुद्दीन खुसरो खान जो था ये वैसे अगर हम देखें तो लास्ट जो रहा खिलजी वंश का वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। मुबारक शाह जो है ये लास्ट थे, और संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अंतिम जो थे मुबारक खिलजी थे, अंतिम जो भी राजा रहे, अंतिम शासक जो हुए। ठीक, उसके बाद फिर जो है तुगलक डिनेस्ट वंश आता है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से तुगलक वंश आया था। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है खिलजी वंश की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? तो 1290, 13 जून 1290 में जो है खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले किसे राजधानी बनाया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने किलोखरी को जो था अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, खिलजी वंश कौन सा मुस्लिम परिवार था जिसने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया? तो ये दूसरा परिवार था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, अगला है किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी? तो गुलाम वंश को खत्म करके खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश का संस्थापक पूछा गया है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका पूरा नाम था ये, तो जलालुद्दीन खिलजी जो था ये खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक पूछा है। ओके, तो खुसरो खां था जो हमने पढ़ा था, मुबारक खिलजी के बाद जो था खुसरो नशीरुद्दीन खुसरो खां जो था ये खिलजी वंश का अंतिम शासक बन गया था। खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1296 से लेकर 1316 तक, 20 साल जो है इसने शासन किया था। ठीक है, खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो 1320 में हुआ था। खिलजी वंश को समाप्त कर किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो खिलजी वंश को खत्म किया था तुगलक ने, और तुगलक वंश का जो था फिर शासन आया था। ठीक, चलिए अगला है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था 1290 से लेकर 1296 तक। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी? तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है फिरोज खिलजी की हत्या की थी। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा हमने देखा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो दीवाने मुश्तक राज की स्थापना जो थी की थी, ये भू राजस्व व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए की थी। ठीक है, चलिए अगला है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये था मलिक काफूर। ठीक, अगला है अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी किसको जाता है? अमीर खुसरो को ही जाता है। इबन बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो वो है मोहम्मद तुगलक की घटनाओं का वर्णन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक बना था। खिलजी वंश के शासक किस जाति के थे? तो ये थे तुर्क जाति के। मंगोल नेता अब्दुल्ला के भारत आक्रमण को किसने विफल किया था? तो मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज की हत्या किसने और कब करवाई? तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर जो थी 1296 में जलालुद्दीन फिरोज को मारा गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और दामाद भी था, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी की का जो विवाह था वो उसके साथ कराया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। यामीन उल खलीफा और नासिरे अमीर उल मोमिनीन की उपाधि जो थी अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, बट मेनली जो सिकंदर सानी की पूछी जाती किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे। गुजरात में नुसरत खान ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था? तो 1000 दिनार में खरीदा था मलिक काफूर को, ये हमने ऊपर पढ़ा भी था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो इसका नाम लिखा रखा था खिजबाद। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक पूछा है कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए सेनापति बनाकर किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। स्थायी सेना को संगठित करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु पूछी जाए तो 1316 में हुई थी। ओके, तो ये मेन मेन जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे के सारे थे इसमें। ओके, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, या फिर एक जाट कबीला था? तो ये हमने पढ़ा है जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो क्या थे,
तुर्क थे, ठीक है। तुर्कों की जो 64 जातियां थी उनमें से जो है एक से ही ये वाले भी जो है बिलोंग करते थे खिलजी वंश के, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा खिलजी थे तुर्क के रहने वाले, बट ये बहुत लंबे टाइम तक कहाँ रहे थे, अफगानिस्तान के जो अफगानिस्तान का जो एरिया था घाटी प्रदेश में रहते थे, उस कारण जो था इन्हें फिर वहां रहते रहते उन्होंने जो भी उस देश की आदत थी रीति रिवाज थी उनको अपना लिया था खिलजी जाति के जो लोग थे, ठीक है। चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ये फिरोज तुगलक ने की थी, जो हम आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश जब आएगा, ठीक है। तो ये बस याद रखिए। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर ए सानी किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी था जिसने सिकंदर ए सानी कहलवाना ये पसंद करता था, और ये खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। 16 साल तक जो है इसका शासन रहा, 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। बताया भी था मैंने आपको, मतलब इतिहासकार मानते कि 6 मंगोल का आक्रमण जो थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुए थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था, ये किसने जो है बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने शासन काल में सेना को नकद वेतन दिया था, ठीक है। ये पूछा था ना किसकी किसने शुरुआत की थी सीधा सेना को नकद वेतन देने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। और स्थायी सेना रखने की शुरुआत भी जो है वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, ठीक। इसके अलावा घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा ये भी किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सारी प्रथाएं जो थी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मलिक काफूर जनरल था सिकंदर लोदी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का, हुमायूं का। तो मलिक काफूर जनरल था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। इसका वास्तविक नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो मलिक काफूर का जो वास्तविक नाम था वो था चंद्रा, ओके। और 1000 में इसने इसे जो है खरीदा गया था, और इस कारण जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? हजार दिनारी के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, ठीक। दिल्ली के पहले सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया कौन रहे? अलाउद्दीन खिलजी थे पहले सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था और सफल भी हुआ। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की इन्होंने हत्या की, वो इनके चाचा भी थे और साथ साथ ससुर भी थे, ठीक है। तो दोनों थे याद रखिएगा, और इनका जो अपना जो राज्याभिषेक था जल अलाउद्दीन खिलजी ने, ये बलबन के जो बलबन का जो लाल महल था वहां पर इन्होंने अपने राज्याभिषेक को संपन्न करवाया था 1296 में, ठीक। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक, तो ये कौन हो जाएगा? दिल्ली का जनरल पूछा उसको केस ने, तो मलिक काफूर था जो दिल्ली तक जो था गया था, ठीक है। ओके, मदुरई जो है ये पांड्य जो राज्य था उस वक्त उसकी राजधानी थी, और 1311 ईस्वी में जो है मलिक काफूर ने जो था यहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक। तो मदुरई तक पहुंचने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर था। ओके, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो थी शुरू की गई थी बाजार विनियमन प्रणाली, ओके। और अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? उसको उस अधिकारी का नाम क्या होता था? दीवाने रियासत, दीवाने रियासत था जो पूरा का पूरी जो व्यवस्था थी बाजार नियंत्रण की उसको संभालता था, उस अधिकारी को कहते थे दीवाने रियासत, ठीक। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार किया था, और कुतुबुद्दीन मुबारक ऐसा था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा जो था ये घोषित किया था? तो खलीफा घोषित किया था कुतुबुद्दीन मुबारक ने, ठीक है। और खलीफा के अधिकारों को मानने से इंकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम पूछा जाता है तो अली गुरशाह, अली गुरशाह,
ये जो था इसका बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिए। कुछ और आएगा तो वो हम पहले 30 क्वेश्चन जो अलग से किए हैं वो हो गए। ठीक है, बाकी यहाँ से कुछ और नहीं आता है। मेनली जो क्वेश्चन आता है ना वो जो घोड़ा दागने की प्रथा है या सैनिक हुलिया प्रणाली है वहां से जो है आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो इन्हें करवाई है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हो गए हैं इसमें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुगलक वंश जो है हम पढ़ेंगे, उसमें तुगलक और शहद एक ही वीडियो में करने की कोशिश करते हैं ताकि फिर आगे जल्दी से जो है लोधी वंश को पढ़ें और नेक्स्ट जो हमारा मुगल साम्राज्य है वो पढ़ सकें हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।